गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, DSR पब्लिक स्कूल सिकरौलक धाँचुआ के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित सर आप लोगों को क्लास सिक्स का साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर वन का पेज नंबर 11 अध्ययन करा रहा हूँ। एनिमल्स यानी कि जंतु, हम लोग जंतुओं के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। एनिमल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर फूड्स। जानवर जो हैं, जंतु जो हैं, ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे भोजन के, क्योंकि जानवर से भी जिस तरह से हम लोग को पौधे से जो भोजन मिलते हैं उसी तरह से जानवर भी हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं, ये भी हमें भोजन देते हैं। मिल्क, एग, मीट एंड हनी आर सम एग्जाम्पल ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। आपके दूध हो गया, अंडे, मांस, शहद, ये सब आपके उदाहरण हैं जानवरों के द्वारा प्राप्त होने वाले, ये आपका एनिमल प्रोडक्ट हैं, ये आपका जो जंतु उत्पादन है इनसे जंतु से प्राप्त होता है। दीज प्रोडक्ट्स आर हाई न्यूट्रिएंट्स, और ये जो उत्पादक होते हैं इनमें आपका अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। द फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स हैव सर्टेन प्रोटीन्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स। ये जो भोज्य जो होते हैं आपके प्रोडक्ट उत्पादक जो होते हैं, ये हम लोगों को जानवर के द्वारा जो मिलते हैं ये सब आपके हाई क्वालिटी के होते हैं, यानी उच्च आपके पोषक तत्व तो होते हैं, जो आपको खास करके यानी सर्टेन खास करके जो होते हैं प्रोटीन जो होते हैं ये आपके एनिमल्स में पाए जाते हैं, और आपका विच नॉट आपका प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये आपके प्लांट जो पौधे होते हैं उसमें नहीं पाए जाते हैं प्रोटीन, खास करके ये सब आपके जानवरों से मिलने वाले स्रोत में पाए जाते हैं। सोर्सेज ऑफ मीट्स, मीट के स्रोत का अगर हम लोग बात करें कि मीट हम लोग कहाँ कहाँ से मिलती है, तो फिश मछली से, गॉट आपका बकरा से, और आपका टेबल चिकन जिसे हम लोग बॉयलर भी कहते हैं आपका मुर्गा से। इसके बाद सोर्सेज ऑफ एग्स यानी हम लोग को अंडे कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो अंडे हमको डक से प्राप्त होते हैं आपका, इसके बाद गोजल प्राप्त होते हैं और हेन से प्राप्त होते हैं। ये हमारे जो होते हैं बत्तख हो गए, मुर्गी हो गई, ये सब क्या करते हैं हम लोग हैं अंडे देते हैं, हमें इनसे अंडे प्राप्त होते हैं। सोर्सेज ऑफ मिल्क, अब हमें आपके जो दूध है ये इसके स्रोत क्या है, तो बुफल्लो, काऊ, गॉट, याक एंड कैमल। हम लोग के इलाके में आप हाँ गाय और जो भैंस है आपका बुफल्लो भैंस हो गई और गाय, ये आपका भैंस और गाय से हमें दूध प्राप्त होती है, गॉट से भी प्राप्त होती है, और जो पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं वो याक से प्राप्त करते हैं, और आपके जो मरुस्थल के जो लोग होते हैं उनको कैमल से ऊँट से दूध प्राप्त होती है। मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क से क्या क्या आपका उत्पादन किया जा सकता है और क्या क्या उसे आपके खाद्य पदार्थ बनते हैं, जैसे आपका बटर, आपका मक्खन, चीज, पनीर, खोआ, घी, इसके बाद आपका पनीर हो गया, और आपका योगर्ट यानी कि आपका दही,
ये जो होते हैं आपका मिल्क प्रोडक्ट है, ये आपके हम लोगों को जो हुआ ये मिलते हैं दूध से उत्पादन किया जाता है, ये दूध दूध से आपको इसको प्राप्त किया जाता है। फूड हैबिट्स ऑफ पीपल, यानी कि आपके लोगों का अलग अलग प्रकार के आपका हैबिट्स, यानी कि भोजन के अलग अलग आदतें। आवर फूड हैबिट्स आर एज ड्राइव एज आवर कल्चर, यानी कि जो हमारे जो भोजन है, हमारे भोजन की जो आदतें हैं वो अलग अलग आपके अलग अलग कल्चर पे, अलग अलग सभ्यताओं पे निर्भर करती है, भिन्न भिन्न प्रकार के सभ्यताओं पे निर्भर करती हैं। इंडियन केसेंस वेरी इंडियन कोशंस वेरी नॉट ओनली इन द काइंड ऑफ इनग्रीडियंटेड यूज्ड बट आल्सो इन द कुकिंग प्रोसेस। कह रहा है कि आपका जो इंडियन जो है, हमारे जो भारतीय जो हमारे भोजन जो है, ये हमारे एक प्रकार के नहीं हैं, ये आपके विभिन्न घटकों पे, यानी कि जहाँ जिस तरह के वातावरण हैं, जिस तरह के लोग वहाँ के कल्टीवेशन में रहते हैं, उस तरह के इनके जो हैं भोजन हैं अलग अलग हैं, उनके तरीके हैं अलग अलग, उनको खाने का तरीका अलग है, उनके कुकिंग प्रोसेस अलग है, वो लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उस भोजन को बना के खाते हैं। आवर फूड हैबिट्स बाई एंड लार्ज डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ फूड एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। हमारे जो भोजन के जो आदत हैं, ये आपके वहाँ के वातावरण पर, यानी कि जिस तरह का वातावरण होती है, जिस तरह का पर्यावरण होते हैं, और आपका जहाँ पर जिस तरह के भोजन उपलब्ध रहते हैं, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होते हैं भोजन, वहाँ के लोग उस तरह के भोजन के ऊपर निर्भर रहते हैं और वहीं भोजन ग्रहण करते हैं। अगर हम बात करें पंजाब का, यानी कि पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। जितने जो हैं, अगर हम बात करें राज्यों का, तो हमारे देश के अंदर जितने राज्य हैं, वो प्रत्येक राज्य में अलग अलग प्रकार के भोजन हैं, लोग अलग अलग प्रकार के भोजन को अलग अलग तरह से उसको प्रिपरेशन करके बना के खाते हैं, लेते ग्रहण करते हैं। पंजाब की बात करें, रोटी पराठा दही बाड़ा मिस्सी रोटी बटर लस्सी पल्सेज कर्ड, इसके बाद आपका जो है सरसों का साग हो गया, मक्की की रोटी हो गई, जो कि फेमस है वहाँ का पंजाब का, सरसों की साग और मक्की की रोटी, यानी वो लोग सरसों का साग बनाते हैं और मक्की की रोटी लेके आपका ये बहुत खाते हैं प्रेम से आपका। इसके बाद छोले हो गया, गाजर का हलवा हो गया, ये सब जितने जो हैं ये आपके पंजाब के मशहूर भोजन है। बिहार का अगर हम लोग बात करें, यानी अपने राज्य का हम लोग बात करें, तो यहाँ का जो हो गया आपका तस्मई, यानी खीर का बना हुआ जो भोजन होता है, राइस चावल सत्तू जो चने को भूंज कर हम लोग तैयार करते हैं, दाल, इसके बाद आपका बजका, यानी कि बेसन रोटेड जो होते हैं आपका वेजिटेबल जो डाल के बनाई जाती है, इसके बाद लिट्टी बेसन करी हो गया, पापड़ हो गया और चटनी हो गया, ये सब बिहार के हैं, हमारे जो है राज्य के ये भोजन है। तो दो हम लोग को इस तरह से मिल गया, पंजाब को भी आप लोगों को जानकारी हो गया भोजन अलग अलग, और यहीं बिहार देखिए, यानी कि दो राज्यों का अलग अलग भोजन हो गया ना, तो वहाँ के वातावरण के ऊपर, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में क्या आपका उत्पादन होती है और वहाँ के लोगों के लिए किस तरह से वो भोजन ग्रहण करेंगे, तो उसके लिए उनके लिए सूटेबल होगा, उनका शरीर को क्षति नहीं करेगा, ये आपके उनके क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए वैसे भोजन करते हैं। अब हम लोग बात करें राजस्थान की,
राजस्थान जो है दाल भत्ती दलिया सेव यानी जो एक बेसन का बना हुआ जो होता है आपका ये व्यंजन, रबरी वर्डी यानी कि मूंग के दाल का ये बना हुआ प्रिपरेशन होते हैं, ये सब आपका राजस्थान का हो गया। गुजरात का बात करें तो गुजरात जो है आपका चपाती यानी रोटी दाल राइस चावल लस्सी आपका, इसके बाद एक थेपला होता है यानी कि फ्राइड किया हुआ ये आपका चपाती होता है, इसको आपका चपाती भी फ्राई कर देते हैं, इसको तल दी जाती है। इसके बाद आपका ढोकला हो गया और आपका कन दबी हो गया, ये सब जो है वहाँ के गुजरात के भोजन हैं। आंध्र प्रदेश का अगर हम लोग बात करें तो राइस हो गया, अरहर हो गया दाल, अरहर की दाल हो गया यानी कि ज़्यादा ये मात्रा में ये लोग यूज करते हैं अरहर की दाल। उपमा हो गया जो आपके ये आपका तैयार करते हैं। इसके बाद डोसा और आपका राजमा, ये आपके आंध्र प्रदेश की भोजन है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में इडली हो गया, डोसा राइस सांभर और आपका बनाना चिप्स एक्सेट्रा यानी इत्यादि, ये तमिलनाडु के हैं। तो आपने कुछ राज्यों के अलग अलग भोजनों के बारे में जानकारी ली, इससे आप लोग को ये स्पष्ट हो गया कि जैसा वातावरण होता है वैसे लोग भोजन वहाँ ग्रहण करते हैं और उनके लिए वो सूटेबल उसी तरह का भोजन होता है जो कि अच्छी तरह से आपको उनके पच भी जाता है, उनको शरीर को अच्छा आपका शरीर को स्वस्थ भी रहता है और उनको अच्छी मात्रा में उनको प्रोटीन भी मिलती रहती है, पोषक तत्व तो मिलते रहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका व्हाट एनिमल ईट यानी कि जानवर क्या खाते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यानी कि आपको कितने भाग बांटे गए हैं ये आप लोग को पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, हर्बीवोरस कार्निवोरस और ओमनीवोरस यानी कि आपका शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग बताएंगे आप लोगों को प्रत्येक जो आपका 6 राज्य का जो आप लोग हमें समझाया इसको आपको एक चार्ट पेपर तैयार करना है और इसको याद करना है, साथ ही साथ आप लोगों को स्पेलिंग याद करनी है और पीछे वाला आप लोग को डिफिनेशन भी याद करना है। ओके।